अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं एजुकेशन इन्फो। जैसा कि आपको मालूम है कि बजट 2023-24 के अंदर मुलाजमीन की तनख्वाह, पेंशन, फैमिली पेंशन में काफ़ी इजाफा किया गया है। उसमें से तनख्वाह की जो बात थी वो 35% इजाफा था, पेंशनर्स और फैमिली पेंशन के लिए 17.5% इजाफे का ऐलान किया गया था। तनख्वाह में ये चीज़ थी 35% 1 से 16 तक के मुलाजमीन को लिए और 35% 17 एंड अबव के लिए। तो ये जो चीज़ें थी ये तो बजट में ऐलान भी हुआ रनिंग बेसिक, इसके बाद जो है ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी जारी हुआ, OM जारी हुआ फाइनेंस डिवीजन की तरफ से। तो काफ़ी सारे दोस्तों को अभी तक भी ये मसला आ रहा है, यानी उनको नहीं मालूम कि क्या इनकी जो सैलरी मिलेगी जुलाई की उसमें ये इजाफा शामिल होगा या नहीं होगा। तो इस बारे में जैसा कि आपको मालूम है कि PIFRA जो है वो एक AGPR का थ्रू एक कंप्यूटर सिस्टम है जो हमेशा मुलाजमीन को जो उनकी रजिस्टर ईमेल होती है जिसके ऊपर उनकी पे स्लिप आती है तो उनके ऊपर चेंज अलर्ट जारी करता है। तो ये जो इजाफा था अब ये फेडरल में भी इम्प्लीमेंट हो गया, KPK बलूचिस्तान और सिंध में। इसके अलावा पंजाब में काफ़ी सारे मसले हैं, हाल ही में जो नोटिफिकेशन जारी हुआ है तो वो इनिशियल बेसिक के ऊपर कर दिया गया है। तो इस बुनियाद के ऊपर उनका इस जो बेसिक पे के अंदर इजाफा लगना बहुत मुश्किल है, मे भी लग सकता है क्योंकि 22 तारीख को पे रोल चलेगा। तो 22 से पहले अगर उन्होंने इसको इंक्लूड कर दिया तो फिर इनका चेंज अलर्ट भी आने शुरू हो जाएंगे। फिलहाल जो है पंजाब के अलावा जो 3 सूबे हैं और वफाक है उनके जो चेंज अलर्ट हैं वो मुलाजमीन को अभी मौसूल होना शुरू हो चुके हैं। इसमें से ये बात बड़ी अच्छी है क्योंकि इसमें से जो रनिंग बेसिक का जो के ऊपर जो तनख्वाह थी वो भी आ गई है और मुलाजमीन के पेंशन के हवाले से भी उनके नोटिफिकेशन आना शुरू हो गए हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आएगी और वीडियो को शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा। वीडियो को लाइक भी करें, अपने दोस्तों तक शेयर भी करें। उम्मीद है आप इसको शेयर भी करेंगे, लाइक भी करेंगे। बहुत शुक्रिया। ये आपके सामने जो अलर्ट आ रहा है ये अलाउंसेस एंड डिडक्शंस का है, उसमें 2378 एडहॉक रिलीफ अलाउंस 2023 का नाम दिया गया। इसमें 35% मंथली पेमेंट स्टार्ट कर दी गई 1/7/2023 से, और उसमें से ये जो उनकी जो रनिंग बेसिक थी एक मुलाजम की तो इसके ऊपर ये अलर्ट आया है। ये ईमेल जो है वो खुदकार निज़ाम, इसके अंदर थोड़ी सी प्रिकॉशंस भी हैं, खुदकार निज़ाम के तहत भेजी जा रही है, यानी ऑटोमेटिक सिस्टम है जिसका मकसद DDOs को मुलाजमीन की चेंजेस के मुतालिक बर वक्त इतला करना है। और अगर इस ईमेल में शामिल मुलाजमीन की चेंजेस में कोई गलती पाई जा रही है तो जल्द अज जल्द अपने अकाउंट ऑफिस से रब्ता करके दुरुस्ती करा लें। ये है साइब सिस्टम जो है, फैब सिस्टम जो है उससे ये अलर्ट जारी किया है जिसको साइब सिस्टम भी, उसके बाद PIFRA भी कहते हैं। अब फैब्स जो है इसकी ये वेबसाइट है, इस पर आप जाकर वहाँ से भी आप काफ़ी सारी चीज़ों को आप देख सकते हैं, खासकर एडवांसेस के वगैरह ये चीज़ें। तो बहरहाल ये जो है अलर्ट जो आया है ये सिर्फ और सिर्फ हाजिर मुलाजमीन का नहीं है, इसी तरह के अलर्ट अब पेंशनर्स को भी मौसूल होना शुरू हो गए क्योंकि ये सिस्टम जब चलता है तो तमाम पेंशनर और जो है उनके जो मुलाजमीन होते हैं, हाजिर सर्विस मुलाजमीन होते हैं, उन सबको साइमल्टेनियसली यानी एक साथ साथ चला जाता है। तो इस तरह के अब चेंजेस मुलाजमीन अपनी ईमेल एड्रेस में जाकर खुद चेक कर लें, और उनको उम्मीद करता हूँ कि उनको ये चेंज जो है अलर्ट मौसूल हो चुके होंगे और इस तरह के जो अब वो अपनी पे को कैलकुलेट भी कर चुके होंगे। ये थी आज की अहम तरीन अपडेट, उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर ये पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। बहुत शुक्रिया।